उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कम से कम 644 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अधिकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है। राहत आयुक्त संजय गोयल ने एक बयान में कहा है कि ये गांव अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बरचई, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फरुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, खुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर जिलों के हैं। बाढ़ के कारण लगभग 300 गांवों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और उनके निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। गोयल ने कहा है कि राज्य में 373 सेंट्रल होम और 784 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। साथ ही लोगों को बचाने के लिए 414 नावों को बचाव कार्य में लगाया गया है। अधिकारी ने कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 9 टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, दादरा, सरयू और शारदा सहित कई नदियां विभिन्न जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को फसलों के नुकसान का शीघ्र सर्वेक्षण करके और किसानों को मुआवजा देने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।